क्राइम की खबरों का। बारा जिले में अवैध खनन माफिया जमीनों को खोखला कर रहे हैं। चारागाह नदी नालों से मिट्टी और बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है। नापसर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खेती के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुनसर गांव की रोही पर एक कृषि कुएं से अफीम की खेती पकड़ी है। झालावाड़ के पिड़ावा थाना क्षेत्र के गांव में बिंदौरी देखकर लौट रही किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दौसा में डीएसटी की और पुलिस सामने गौ तस्कर फरार हो गए। गौ तस्कर मानपुर थाना क्षेत्र के टीकरी गांव में कंटेनर छोड़कर फरार हो गए। भरतपुर के जुरहरा में चोरी करने आए चोरों ने महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी। टोडा भीम पुलिस ने 14 साल की विवंदित बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। झालावाड़ के बनवार थाना क्षेत्र के बोरेली गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठीभाटा जंप हो गई। दौसा में गौवंश से भरे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस के पीछे करने पर कंटेनर छोड़कर गौ तस्कर भाग निकले। पाली के रोहर थाना क्षेत्र के सरणा गांव में जमीनी विवाद में गर्भवती महिला और उसकी मां के साथ लाठियों से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टोंक के टूडर आइस रिंग में मंदिर में चोरी की वारदात हुई। यहां चोर बड़े ही आराम से चोरी करता नजर आया।